हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो में व्यू कैसे ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और ये सब चीज़ आपको आपका YT स्टूडियो ऐप ही बताएगा कि आपको करना क्या है। दोस्तों, ये देखिए, ये YT स्टूडियो ऐप आप सबके पास तो होगा ही होगा। ये देखिए दोस्तों, तो आपको करना क्या है वो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा दोस्तों। बहुत ही ईजी है दोस्तों, लेकिन बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है, पहले स्टेप वन, सबसे पहले आपको अपनी जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, आप वो वीडियो बना लीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, जिस टॉपिक में आप वीडियो बनाओगे उस टॉपिक में वीडियो बनाने के बाद आपको उसका टाइटल डालना रहेगा। तो टाइटल, जो भी आप टाइटल सोचे रहोगे उसको यहाँ से बॉक्स में लिखना है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी रेंडमली कुछ भी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको आप सब लोग को बताने के लिए। हाउ टू इनक्रीज़, ये देखिए सामने के कुछ वर्ड को ही लिखना है दोस्तों। फिर यहाँ से पूरे, मतलब सर्च लिस्ट में पूरे बॉक्स में ओपन हो जाएगा जो जो सर्चेबल टॉपिक है, जो सर्चेबल टाइटल है। तो इसमें से आप अपनी वीडियो के जिस जो जो आप वीडियो बनाए रहोगे उस हिसाब से जो भी टाइटल आप में जमेगा वो टाइटल आपको यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है, क्योंकि ये सब सर्चेबल टाइटल है, तो आपको सर्चेबल टाइटल ही डालना है अपनी यूट्यूब वीडियो में। ठीक है, यहाँ से आप टाइटल सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो आपका वीडियो बन गया और आपका टाइटल डल गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अब उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप टू दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि मैं कुछ एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो स्टेप टू क्या करना है, अब आपको टैग डालना है। अब आपको वीडियो पर कौन सा टैग डालोगे कि रैंक करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपको पहला काम करना क्या है स्टेप टू में, जैसे आप जिस भी टॉपिक में वीडियो रहेगी तो उस टॉपिक में आप पहले यहाँ पे सर्च कर लेना और देखना कि उस टॉपिक में कोई बंदा वीडियो बनाया है क्या। अगर कोई बंदा वीडियो बनाया है और उसकी वीडियो रैंक कर रही है तो आपको उसकी वीडियो को लेना है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि ये वीडियो चल रही है, तो यहाँ से मैं इसको शेयर करके यहाँ से कॉपी लिंक कर लेना है। इसका टैग निकालना है आपको। ठीक है, टैग कैसे निकालना है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, टैग यू करके एक ऐप है दोस्तों, ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा टैग यू करके। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर लेना, इसमें ओपन करना है आपको। ये देखिए दोस्तों, इसको सिंपल से ओपन करना है और यहाँ पे देखिए दोस्तों, गेट टैग फ्रॉम URL लिखा है। ठीक है, इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ये देखिए, आप पेस्ट लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे वो जो URL कॉपी किए रहोगे उसको, सर जी पिछले 5 ऑर्डर्स का पेमेंट तो कर, जो आप URL कॉपी करोगे वो पेस्ट कर देना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये देखिए पेस्ट करते साथ ही आपको यहाँ पे पूरा जो वो बंदा टैग डाला है अपनी वीडियो में और जिससे उसकी वीडियो रैंक कर रही है, वो सारे टैग आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल से इस टैग को कॉपी कर लेना है। ये यहाँ से कॉपी होता है दोस्तों, ये दिखा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ से कॉपी होता है। इसमें टच करोगे तो पूरा टैग कॉपी हो जाएगी। देखिए इस टाइप से लिखा जाएगा, यू कॉपीड ऑल टैग। ठीक है, अब इस टैग को उठा के आपको क्या करना है, अपने टैग में डालना है और साथ में टैग में अपनी वीडियो के टैग में डालने के साथ में आपको इस टैग को डिस्क्रिप्शन में भी डालना है, मतलब दोनों जगह डालना है आपको। ठीक है, ये काम कर लेना है आपको। ठीक है, तो स्टेप टू में ये हो जाएगा आपको। और टैग दो टाइप से डाल सकते हैं दोस्तों, ये तो हो गया, आप यहाँ से भी डाल सकते हो। ठीक है, जो भी वीडियो रैंक कर रही है उनका टैग निकाल के। और दूसरा क्या है, आपको सिंपल से भाई यूट्यूब में जाना है और जिस टाइटल से रिलेटेड आप वीडियो बनाए रहोगे उसको यहाँ पर सिंपल से लिख लेना है आपको। ठीक है, तो बस फिर यहाँ पे जो जो आएगा, यहाँ पे जो जो सर्चेबल, ये सब सर्चेबल टाइटल है, ये सबको भी उठा के आपको क्या करना है, टैग में डालना है और डिस्क्रिप्शन में भी डालना है। तो ये दो तरीके से आप टैग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों को दोस्तों जानने वाली एक बात ये है, जैसे हम टैग डालते हैं, जैसे यहाँ पे हम टैग डालें ये सब चीज़, ठीक है, तो जैसे इस ये वाला टैग डालने से उस बंदे की वीडियो रैंक कर रही है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी वीडियो रैंक करे इस टैग से। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाँ, वो बंदा जो टैग डालता है वो टैग हम भी डालते हैं लेकिन वो वीडियो रैंक नहीं करती, तो वो क्यों नहीं करती, तो क्योंकि वो आपके लिए, मतलब आपकी वीडियो में रैंक नहीं कर रही है वो। उसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, आपको करना क्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल से शुरुआत में तो ये टैग को डाल देना है अपने, ठीक है, इस टैग को, या फिर यूट्यूब के सर्च बार में जाके जो भी आते हैं उसको डाल देना आपको टैग में। ठीक है, फिर आपको एक चीज़ याद रखना है आपको दोस्तों, वन डे रुकना है आपको। ठीक है दोस्तों, वन डे ध्यान से सुने दोस्तों, वन डे रुकना है। उसके बाद वन डे रुकने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये अपना YT स्टूडियो ऐप ओपन कर लेना है। ये रहा आपका YT स्टूडियो ऐप, ठीक है, हाँ ये आपका YT स्टूडियो ऐप ओपन कर लेना आपको। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लेटेस्ट वीडियो होगा तो आपको यहाँ पर ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी कोई भी वीडियो ले लेता हूँ मैं यहाँ से,
ठीक है, आपका अगर वीडियो मतलब लेटेस्ट आएगा तो आपको सामने में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे गो टू वीडियो एनालिटिकल लिखा है, ठीक है, यहाँ पे आपको टच करना है, क्लिक करना है, ठीक है, ये देखिए, वन डे के बाद आपको क्लिक करना है, वन डे के बाद आपको ये वाइट स्टूडियो में आके चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है डिस्कवरी में, ये रहा थर्ड नंबर पे, इसमें आपको जाना है, ठीक है। इसमें जाने के बाद आप क्या करना है ये देखिए, अब यहाँ पे यहीं पे आपको समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा टॉप यूट्यूब सर्च टर्म्स। देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे आया, ये आपके वन डे के बाद ही आपके में अपडेट होगा, क्योंकि आप जैसे वीडियो डालोगे तो अपडेट नहीं हो रहता वाइट स्टूडियो में, तो वन डे के बाद ये आपका अपडेट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप जो मतलब अभी लेटेस्ट में जो भी पर्सन मतलब जो भी अदर पर्सन क्या क्या चीज़ सर्च करके मतलब सर्च करें यूट्यूब पे, तो पूरा यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगा, वो भी आपकी वीडियो से रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, सिंपल से इसको ओपन कर लेना दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूरा का पूरा यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, कितना कितना परसेंट से, पूरा परसेंट वाइज दिया यहाँ पे, 55%, 10%, 5.4% स्टेप से। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल सा ये सब चीज़ को जैसे आपका टैग रैंक नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, ये पूरा टैग को उठा के आपको अपने किस में डालना है, टैग में डालना है, और साथ में डिस्क्रिप्शन में भी डालना है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ करना ही है। लेकिन दोस्तों ये यहाँ से आप अगर आप कॉपी करोगे तो यहाँ से कॉपी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। कॉपी करने के लिए मैं एक वीडियो बनाया था, मैं आपको लास्ट में आई बटन में दे दूंगा, अब वहाँ से देख लेना। ये सिंपल से इसको कॉपी करके आपको टैग में डालना है और डिस्क्रिप्शन में डालना है, आपकी वीडियो 100% रैंक करेगी दोस्तों, और सर्च में भी आएगी। मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, मैंने खुद अपनी वीडियो पर ट्राई किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ। तो जैसे यूट्यूब में गए, मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू स्विच पे क्लासिक फेसबुक, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वीडियो आ रही है मेरी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे दोस्तों, वन टू थर्ड नंबर पे मेरी वीडियो आ रही है दोस्तों, ये देखिए थर्ड नंबर पे, सोचो दोस्तों, थर्ड नंबर पर मेरी वीडियो रैंक कर रही है, और मेरी और भी वीडियो रैंक कर रही है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाउ टू गिव क्रेडिट म्यूजिक इन यूट्यूब वीडियो, ये भी बनाया था, ये भी दोस्तों वन टू थर्ड, ये देखिए दोस्तों, ये मेरा ही आइडिया है, ये देखिए आई टेक रिच, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे वीडियो रैंक कर रही है। और दोस्तों आपकी व्यू जैसे आपके सर्च लिस्ट में आकर आपकी वीडियो आती है, तो आपकी वीडियो में व्यू आने ही आने हैं दोस्तों। जैसे कि मेरी इस वीडियो में ये हाउ टू स्विच पे क्लासिक, देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मेरे 1K व्यू से ऊपर भी आ चुके हैं, आप खुद जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 1K व्यू से भी ऊपर मतलब मेरे व्यू जा रहे हैं, मतलब वो मतलब वीडियो चल रही है मेरी, मतलब उसमें व्यू आते ही जा रहे हैं उसमें। तो यही चीज़ में जो मैं अपने में ट्राई किया, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपकी वीडियो में व्यू आएगा ही आएगा, बस आपको दो काम करना है। स्टेप वन जो मैं आपको बताया, वही आपको करना है, अच्छा से वीडियो बनाना है आपको, और उसका टाइटल को ऐसे देना है जो सर्च लिस्ट में आए, ठीक है। और स्टेप टू में आपको टैग लेना है, और टैग अगर रैंक नहीं करेगा तो आपको अपने YT स्टूडियो में जाके आपको टैग देखना है अपना, ठीक है। तो वहाँ से आपकी वीडियो रैंक करेगी करेगी दोस्तों, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से आपकी वीडियो रैंक भी करेगी और सर्च लिस्ट में भी आएगी, और जब जब वीडियो रैंक करेगी और सर्च लिस्ट में आएगी तो आपकी वीडियो में व्यू आने ही आने हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों, और भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट कर देना दोस्तों, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।